पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू के 2 वर्षों के सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा होने पर पटना सिटी के गायघाट स्थित एक सामुदायिक भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महापौर ने अपने 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड आम जनता के बीच पेश किया। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के संग महापौर सीता साहू ने नगर निगम प्रशासन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रिपोर्ट कार्ड में डोर टू डोर कूड़ा उठाओ, शहर में लाइट की समुचित व्यवस्था, अतिक्रमण हटाओ अभियान, शहरी गरीबों के लिए वेडिंग जोन और किफायती आवास योजना के साथ साथ स्मार्ट सिटी को लेकर नगर निगम द्वारा सफलतापूर्वक काम किए जाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे विकास मंत्री सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा का कहना था कि नमामि गंगे परियोजना के तहत जहां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने का काम चल रहा है, सुंदर स्मार्ट रोड बनाना है, स्मार्ट पार्क बनाना है, सभी कुएं और पोखरे को रिनोवेट कर करके गाद निकाल करके उसके ऊपर प्लांटेशन करना है, क्योंकि पर्यावरण की भी समस्या आगे आपको आ रही है और आ गई है। वहीं शहर के सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त कर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शहर के गंदे पानी को शुद्ध कर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। हमें पानी और ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ कट रहे हैं, आज गर्मी इतनी पड़ रही है जिसके कारण से तरह तरह की बीमारियां हो रही है, लोग परेशान है, हमें इन सब चीजों से नगर निगम की, नगर विकास मंत्रालय की भूमिका अग्रणी होगी। आप सब लोग बहुत ही सक्रिय ढंग से महापौर के नेतृत्व में और सुमन जी की कार्य क्षमता के आधार पर यह शहर सुंदर बना है, लेकिन बहुत काम अभी करना है जो हम लोग मिलजुल करके करेंगे। और पटना स्मार्ट सिटी के साथ बिहार के जो 3 और शहर हैं वो सबसे स्मार्ट बनेंगे। ATM